एक खूबसूरत सा जंगल में मोनू अपनी टूनी बहन के साथ में रहता था। मोनू के माता पिता के कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुका था। वे दोनों इस दुनिया में अकेले ही रहते थे। तभी वहाँ बुलबुल कबूतर आती है। मोनू, तुम दोनों भाई बहन कब तक अकेले रहोगे? तुम अपनी बहन से बड़े हो, मेरी बात मानो, तुम शादी कर लो। अगर शादी कर लोगे तो तुम्हारी बहन का एक भाभी माँ मिल जाएगी। तुम खुद सोचो मोनू, भोजन की तलाश में तुम जाते हो बहुत दूर, तुम्हारी बहन घर पर अकेली ही रहती है। अगर तुम्हारी बहन का कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोलो मोनू, इससे अच्छा होगा कि मोनू तुम शादी कर लो। पर मैं कैसे शादी कर लूं बुलबुल मौसी? मेरे लिए लड़की कौन देखने जाएगा? मोनू बेटा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारी बुलबुल मौसी, तुम्हारी दुल्हन को मैं देखने जाऊंगी। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं हम लोग लड़की देखने। मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी बहुत सुंदर है, उसका नाम नैना है। तब ठीक है बुलबुल मौसी, अभी चलते हैं हम लोग लड़की देखने, फिर रिश्ता पक्का करके हम लोग आ जाएंगे। फिर मेरी शादी हो जाएगी तो कुछ महीने बाद मैं अपनी बहन का भी शादी करा दूंगा। ये अच्छा रहेगा ना बुलबुल मौसी? हाँ मोनू बेटा, ये अच्छा रहेगा। अब चलो जल्दी, नहीं तो फिर वापस आने में रात हो जाएगी हम लोग को। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते तोते के घर पहुंच जाते हैं। अरे बुलबुल, तुम यहाँ कैसे? मेरे घर? और ये कौन है? मिठू रानी, ये मोनू है और इसकी बहन टूनी, ये दोनों भाई बहन हैं। मैं रिश्ते का बात करने आई हूँ। क्या तुम अपनी बेटी का शादी करना चाहोगी? मैं दहेज में कुछ भी नहीं लूंगी मिठू रानी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरी बेटी का रिश्ता मेरे घर खुद आया है, मैं जरूर करूंगी ये शादी। लेकिन मैं दहेज में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मीठू रानी, तुम चिंता मत करो, हम लोग को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मोनू का खुद सरकारी नौकरी है, तुम्हारी बेटी मोनू के साथ में बहुत खुश रहेगी। तब समझो ये रिश्ता पक्का हो गया है, कल मेरे घर बारात लेकर आ जाइएगा आप लोग। धन्यवाद मिठू रानी ये रिश्ता करने के लिए। ठीक है, कल हम लोग बारात लेकर आ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने घर। फिर तीनों पक्षी अपने घर आ जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। मोनू बेटा तैयार हो गया? जल्दी चलो बेटा, देर हो रही है शादी के लिए। हाँ मौसी, हम तैयार हो गए, चलिए जल्दी। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते तोते के घर पहुंच जाते हैं। ये देखकर तोते ने कहा, अरे तुम लोग आ गए, मैं तुम्ही लोग का इंतजार कर रही थी। चलो बेटा मोनू, माला ले लो, और नैना तुम भी ले लो माला, और एक दूसरे के गले में डाल दो। ठीक है मिठू रानी, ये शादी अब हो गई है, अब हम लोग घर चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बुलबुल, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो मिठू रानी, तुम्हारी बेटी अच्छे से ही रहेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इतना बोलकर सारे पक्षी उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाते हैं। बुलबुल कबूतर मोनू से बोलती है, मोनू बेटा ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। तुम लोग अपना ख्याल रखना, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है बेटा? और हाँ, तुम अपनी छोटी बहन का जरूर ख्याल रखना, इसे दुख मत देना बेटा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कबूतर अपने घर उड़ते उड़ते चली जाती है। कुछ महीने यूं ही बीत जाता है। इधर टूनी अपने भाई मोनू से बोलती है, मोनू भैया, आप मुझे भोजन ला करके दो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया। मोनू जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ आप इसका कितना ख्याल रखते हैं। क्या ये छोटी बच्ची है कि हर समय आप इसे भोजन ला कर दें? आप भोजन लाना इसका बंद कीजिए मोनू जी, समझे आप? भाभी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं भोजन लाने कहाँ जाऊंगी? कभी नहीं गई हूँ मैं भोजन लाने। भाभी माँ, आप हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? भाभी माँ, तू हमसे जबान लड़ाएगी? जबान काट कर किसी नाली के गटर में फेंक दूंगी, समझी तू? और आप मोनू जी, इसे अभी कभी घर से बाहर निकालिए, मुझे इसका शक्ल भी नहीं देखना है। टूनी, तू मेरी पत्नी से बहस की? तू अभी मेरे घर से निकल जा। क्या मैं तुम्हारा ठीका रखा हूँ पूरी जिंदगी भर? अब मैं तुम्हारा देखभाल नहीं करूंगा, अभी कभी तू मेरे घर से निकल जा, समझ गई तू? क्या भैया, आप
आप ऐसे बोल रहे हैं? आप अपनी पत्नी का बात लेकर मुझे घर से बाहर निकाल दें भैया। आपसे मैंने क्या मांग लिया भैया? आज मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी बातें सुनकर। आज माँ जिंदा होती तो घर की हालत ऐसी नहीं होती भैया। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है भैया। चुप करो, मैं तुम्हारा कब तक बोझ उठाऊंगा? मैं अपनी पत्नी का देखभाल करूंगा कि मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा? ये रोना धोना बंद करो, मेरे घर से अभी कभी निकल जा, समझे तू? और अपना शकल मुझे कभी मत दिखाना। ठीक है भैया, आज हम लोग भाई बहन हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी भैया, मैं जा रही हूँ आपको इस घर को छोड़कर। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर रोते रोते वो गाना गाती है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रुके कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रुके कभी घर द्वार न छूटे। घर आंगन में खेले मेरे सुर चंदा तारे। इनके लिए है जीना मुझको ये जान से प्यारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता इतना प्यार दुलार। तुम्हारा प्यार न रूठे। टूनी चिड़िया रो रो कर गाना गा रही थी। इधर बुलबुल कबूतर भोजन की तलाश में निकली थी, तभी उसे गाना सुनाई दिया। वह तुरंत उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास आती है। उसे देखकर कबूतर ने कहा, टूनी मेरा बच्चा, तुम ये गाना गा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा इतनी कड़ी धूप में? तुम अपना घर छोड़कर के यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो बेटा? बोलो मौसी, मैं अपना घर छोड़कर नहीं आई हूँ भैया। और भाभी मुझे घर से निकाल दिए हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी बुलबुल मौसी? इस दुनिया में से मेरा कोई भी नहीं है। ईश्वर ने बचपन में ही मेरी माँ को छीन लिया। अब बड़ी हो गई हूँ तो मेरे भाई से वो चुड़ैल अलग कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बुलबुल मौसी? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरा बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था वो चुड़ैल घर में आते ही घर को बर्बाद कर देगी। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में, मैं बनूंगी तुम्हारा सहारा। मुझे नहीं मालूम था शादी के बाद मोनू बदल जाएगा। मत रो बेटा, तुम मेरे घर चलो, अब तुम मेरे साथ में ही रहोगी। चलो बेटा, इस दर्द को भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। चलो बेटा मेरे घर, अब हम लोग साथ में रहेंगे। ईश्वर ने भी मेरी प्रार्थना सुन ली। कोई मेरा संतान भी नहीं था, अब मेरी गोद भर गई है। मैं तुम्हें पालूंगी एक बेटी की तरह। अब से तुम मुझे माँ बोलना। अब चलो मेरा बच्चा, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। ठीक है माँ, ईश्वर भी मुझे एक नई माँ दे दी। अब चलिए माँ घर, अब हम लोग साथ में रहेंगे। फिर दोनों पक्षी अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी से जिंदगी साथ में बिताने लगते हैं।